बिरनी प्रखंड मुख्यालय बिरनी में महासंघ के निर्देशानुसार संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा पंचायत सचिव संघ, जनसेवक संघ, मनरेगा संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना कार्यक्रम जिला अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मण तुरी ने किया। वहीं धरना को संबोधित करते हुए श्री विश्वकर्मा ने कहा कि मनरेगा योजना का समवर्ती अंकेक्षण में सोशल ऑडिट यूनिट कर मनगलत रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने जो प्राथमिकी कर्मचारियों पर दर्ज किया है वह बिल्कुल गलत है, अतः जिला प्रशासन इसे अविलंब वापस ले। वहीं धरना को संबोधित करते हुए पंचायत सचिव राजकुमार ने कहा कि आज प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया गया है, 12 मार्च 2022 को जिला मुख्यालय में रोष पूर्ण धरना दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्राथमिकी वापस नहीं हुई तो बाध्य होकर 15 मार्च 2022 से सभी क्षेत्रीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य होंगे, जिसके बाद संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से जितेंद्र प्रसाद वर्मा, महेश दास, राजदेव विश्वकर्मा, कपिल देव रजक, कमलेश्वरी तिवारी, रामकिशोर महतो, सुरेंद्र महतो, देवेंद्र मंडल, रंजीत महतो, तुलसी राम, राहुल गुप्ता, जितेश दास आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज प्रखंड मुख्यालय में संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले, जिसमें हमारे पंचायत सचिव संघ, जनसेवक संघ और मनरेगा संघ के तमाम क्षेत्रीय कर्मचारी आज धरना पर बैठे हुए हैं। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जिला प्रशासन की ओर से दंडात्मक कार्रवाई सोशल ऑडिट यूनिट के रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय कार्रवाई की गई, जिसमें हमारे जो क्षेत्र में काम करने वाले पंचायत सचिव हैं, जन सेवक हैं, रोजगार सेवक हैं और माननीय मुखिया जी हैं, उन पर FIR और मुकदमा जैसा कार्रवाई, वसूली का कार्रवाई जो किया गया है, इसकी हम लोग इस धरना के माध्यम से जिला प्रशासन की घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं। इस आप मीडिया चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि हमारे जो निर्दोष कर्मी पर, जिनका पक्ष भी जानने का प्रयास नहीं किया गया, भारतीय संविधान में हमें अधिकार जो दिया गया है, किसी भी अगर आरोप भी है तो हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, स्पष्टीकरण का मौका दिया जाना चाहिए, जो कि ना करते हुए, हमारा अधिकार का हनन करते हुए हमारे ऊपर में, जो हमारे क्षेत्रीय कर्मचारियों के ऊपर में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, ये जिला प्रशासन से, प्रखंड प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पर अविलंब जो हमारे निर्दोष कर्मी पर जो कार्रवाई हुआ है, FIR हुआ है, उसकी वापसी हो और हम ईमानदारी पूर्वक स्वाभिमान के साथ काम करना चाहते हैं और देश की विकास में हम अपनी अहम भूमिका को रोल अदा करना चाहते हैं। जो जिला प्रशासन हमें जो प्रताड़ित कर रहे हैं, आज जो हम धरना पर जो बैठे हुए हैं, काफ़ी हतोत्साहित है। हमें आज क्षेत्र में काम करना चाहिए था, देश के विकास में हमें योगदान देना चाहिए, वो न दे करके हम धरना पर बैठने को विवश हैं। इसकी संपूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की है। इसके क्रम में इसका जो हमारा कार्यक्रम है उसके संबंध में हम बताना चाहेंगे। 6 मार्च को हम लोगों ने महासंघ के बैनर तले इस मामला को जिला प्रशासन में, जिला मुख्यालय में मीटिंग किया। इसमें हमारा निर्णय हुआ है, संयुक्त संघर्ष मोर्चा तीनों संघ को मिलाकर के बनाया गया है, जिसमें हमारा पहला कार्यक्रम जो है आज 9 मार्च को सभी जिले के 13 जिला में प्रखंड में हमारा कार्यक्रम चल रहा है धरना का। अगला कार्यक्रम हमारा 12 तारीख को जिला समाहरणालय में धरना का, रोषपूर्ण धरने का कार्यक्रम है। और अगर 12 तारीख तक FIR वापस नहीं होता है तो 15 मार्च से पूरे जिले के तमाम तीनों कर्मचारी संघ, पंचायत सेवक, जन सेवक और रोजगार सेवक, मनरेगा संघ कलमबंद हड़ताल करेंगे।